नेहा तुम्हारा फोन बज रहा है नेहा तुम्हारा फोन बज रहा है यार नेहा ये दरवाजा क्यों लगा के रखा है यार भरमा भिंडी बनाई है मैंने खाना खा के जाओगे या टिफिन दे दो अरे वो सब तो ठीक है पर दरवाजा क्यों लगा के रखा है तुम्हारा फोन बज रहा है मैं कब से चिल्ला रहा हूँ यार एग्जॉस्ट फैन अब तक ठीक नहीं हुआ है हॉल में धुआं हो रहा है I'm so sorry, मैं completely भूल गया मैं आज शाम को ही ठीक कर लूंगा ओके आई एम रियली सॉरी भिंडी की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है बिल्कुल माँ बनाती है वैसे मान जाओ ना सॉरी यार कपड़े धुल गए जाओ तो मुझे नहीं गया अरे भैया वहां से निकाल लो ना कहां से निकालूं अरे अभी तो गाड़ी गई वहां से नहीं जाओगे अरे भाई किधर से जाऊं Hi, my name is Anil. I'm here for the interview. I'm sorry, the interviews have been cancelled. But I had an appointment today. Hello. Please have a seat. Hello. Yeah. Please check your mail. All the details have been mentioned. Don't worry, we'll keep you posted regarding the interview. Sir, I'm telling you, if there's any change in the schedule, we'll let you know. डोंट वरी सर आज शाम तक आपको रिवाइज स्केड्यूल मिल जाएगा रिलीज प्लान रेडी है ओके थैंक यू अरे नेहा व्हिच वन लुक्स बेटर यार आई थिंक ये हॉरिजॉन्टल वाला या थैंक्स इंटरव्यू कैसा रहा वैसे भी ना वो कंपनी कुछ खास नहीं थी तुम्हारे लेवल की तो बिल्कुल ही नहीं थी अब अपना मुंह ठीक करो कल मम्मी आ रही हैं नारियल के लड्डू आ रहे हैं मम्मी भी आ रही हैं अनिल कल ना मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है ऑफिस में हम मम्मी जी को कुछ समझा देंगे और उनको बुरा लगेगा उसका क्या समझाएंगे कि हमने झूठ बोलकर शादी की झूठ तो तुम्हारी नौकरी के लिए कहा था ना देखो मेरा कल ऑफिस जाना बहुत जरूरी है मुझे लड़ाई नहीं करनी बात ये तुम्हारा कोई क्लाइंट प्रेजेंटेशन नहीं है जिसे तुम फैक्ट्स और फिगर से संभाल लोगे माँ है मेरी और झूठ बोलने का आइडिया भी तुम्हारा ही था याद है ना हाँ तो झूठ तो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा मुंबई आने के बाद कुछ महीनों में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी अनिल अनिल तुम एकदम गलत मतलब निकाल रहे हो मेरा ओवर रिएक्ट कर रहे हो है ना पापा जी तुम्हारे पापा का फोन है पूछ रहे हैं कि मैं ऑफिस पे हूँ कि घर पे इन्हें भी समझा दें बताओ पापा सॉरी मैं ना ऑफिस में हूँ मैं आपको घर पहुँच के कॉल करता हूँ ओके बाय
ऐसे दाल बहुत अच्छी बनाई है तुमने, एकदम माँ जैसी। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना यार, तुम्हें बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और कॉलेज में मैं पढ़ाता था तुमको, याद है ना, अगर मैं नहीं पढ़ाया होता ना तुम्हें नौकरी नहीं मिलती। गीजर ऑफ क्यों नहीं करते हो? क्या? वैसे मुझे लगता है कि गीजर की तो जरूरत ही नहीं है। सवेरे नहाने में ठंडी लगती है तो दिन में नहाया करो, रहते तो घर पर ही हो ना। दिन के तीन बार मंगवाती हो तुम, एक को भी खोलकर पढ़ा है कभी तुमने? तुम्हारे ऑफिस में भी तो अखबार आते हैं, वहां भी क्यों नहीं पढ़ लेती? क्या करूं, मेरे घर से आया यार, ध्यान से। चम्मच स्टैंड मेरे घर से आया, तो बर्तन भी तुम्हारे घर से आए हैं, उन्हें भी तोड़ दोगी क्या? अच्छा, क्या कर रही हो? चेरी चेरी, वो जग मेरे घर से आया। जग तुम्हारे घर से आया था, तो कटोरी मेरे घर से आई थी। मेरे पापा को वीडियो भेज कर दिखा तो मैं क्या क्या करती रहती हो तुम। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? क्या इसे भी तोड़ोगे? अरे मम्मी आप शुरू मत करो यार, दो मिनट में पहुंच जाएंगे तब खा लूंगा मैं। अरे नारियल के लड्डू बनाया है तेरे लिए। नीले बिबला ठीक ही कह रही थी, बम्बई में सब बड़ा पाव ही खाते हैं। मम्मी प्लीज आप शुरू मत करो। देख ताजे ताजे हैं, स्टेशन पे बैठने से आधा घंटा पहले ही बनाए थे तेरे लिए। तो घर पहुंचने तक खराब हो जाएंगे क्या? अरे ले लेना तो छोटे छोटे से। चल मत खा, घर जाके खा लेना। तेरे पापा भी बड़ा याद कर रहे थे तुझे। अच्छा अच्छा पैदा कर लिया। अभी मम्मी आप तो इतने दिन हो गए, तू भी आना। आऊंगा, प्लान करेंगे। क्या हुआ? एकदम रुकी ना। कितनी देर कर रहा है? कौन सा है? ये वाला। है नहीं क्या घर पे? पता नहीं, शायद सब्जी लेने गई होगी।
यहाँ कोई और रहता है? अच्छा सब अलग अलग रहते हैं। अच्छा तुम दोनों ही चाबियां रखते होंगे एक एक है? ये उतार दो चप्पल। नहीं रहने दो। अरे अरे पैर बिल्कुल अकड़ गए मेरे। पानी ले आ। हाँ छोटा घर है तेरा। इससे बड़ा तो बाथरूम था तेरा जयपुर में। हाँ अरे बड़ा चिप चिप लग रहा है यहाँ। हाँ मम्मी ये मुंबई है। मुंबई बाथरूम कहाँ है तेरा? यहाँ पे आगे मम्मी। वो कितना घुटा घुटा सा है तेरा घर। वो चाहिए तो बता दो। अरे तेरे कपड़े तो सूख गए। कपड़े सूख गए। नहीं मम्मी मैं कर लूंगा आप रहने दो ना। मैं कर दूंगी। गीजर तूने खुला छोड़ा होगा। बड़ी गंदी आदत है तेरी। मम्मी ये पानी पी लीजिए। इसको रहने दीजिए मैं कर लूंगा। मैं बोल रहा हूँ आपको। अरे कर लूंगी मैं। कर लूंगा ये तो क्या सारी जिंदगी ऐसी थोड़ी पाला पोसा है तुम्हें। अरे क्या हुआ? अरे अकड़ जाता अभी भी है सोजन। हाँ वो थोड़ा पैर लटका के बैठो ना तो मैं दबा देता हूँ मम्मी। अरे नहीं नहीं ऐसे ठीक हो जाएगा। रहने रहने ये कपड़े प्रेस को जाएंगे कि घर में ही होंगे? मैं कर लूंगा मम्मी बाद में थोड़ी देर में कर लूंगा। ये काम वाली आती है या सारा काम ये नेहा ही कर रही है? हैं मम्मी मैंने लड्डू ही नहीं खाए है ना। नेहा को मैं कितनी बार बताता हूँ पर नेहा कहाँ बना पाती है ऐसे लड्डू। कहाँ है कहाँ वो फोन तो कर उसे। हैं मम्मी नेहा ऑफिस गई है। ये तो खुशी की बात है। अरे माँ बाप ने इतना खर्चा किया। मम्मी हमने आपसे झूठ बोला था। नौकरी नेहा की लगी है मेरी नहीं। वो काम पे जाती है और मैं घर संभालता हूँ। तभी तू सब झाड़ू पोछा कटखा बर्तन कपड़े खाना वाना सब तू। बेटा दो तीन दिन के लिए तो मैं रहने के लिए आई थी। झूठ ही बोल देता। अरे मम्मी जी सॉरी थोड़ी देरी हो गई। एक्चुअली रसोई का एग्जॉस्ट फैन खराब हो गया है तो मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाने गई थी। खुश रहो। कैसी आप? ठीक। एकदम ताज़ा अदरक लेकर आई हूँ आपके लिए। आपको पसंद है ना? एक कप चाय में पूरे सफ़र की थकान उतर जाएगी। देरी नहीं हो रही? ऑफिस नहीं जाना? जाओ तैयार हो जाओ। दीदी। हाँ क्या हो गया भैया? दीदी ये नया वायर लगा रहा हूँ। मैं आया मम्मी एक मिनट। ये बार बार क्यों खराब हो जाता है? नहीं नहीं एग्जॉस्ट फैन तो ठीक है। स्विच का वायर खराब हो गया है। अभी लगा देता हूँ।